इंडियन आर्मी मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में एक बड़ा रिक्रूटमेंट आपके लिए आ चुका है। अगर आप भी सेना रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो देश भर में कोरोना के बीच में लॉकडाउन, जैसे ही यहाँ पर लॉकडाउन हटते ही बड़ी बड़ी यहाँ पर भर्तियाँ आपके आना शुरू हो चुकी है। ऐसे में आपके लिए एक और बड़ा रिक्रूटमेंट आ चुका है। 10वीं और 12वीं पास वाले ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। भारतीय सेना इंडियन आर्मी में यह बड़ा रिक्रूटमेंट निकला है। कब से कब तक आप ये इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म आपको कहां से डाउनलोड करना है, साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ आपका जो एज क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, कौन कौन सी पोस्ट पर ये आपका रिक्रूटमेंट होने वाला, इसको लेकर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और आगे आने वाले हर प्रकार के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। जल्द ही आपको यहाँ पर आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलने वाले, तो ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही इस नोटिफिकेशन और ऑफलाइन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको पहले कमेंट बॉक्स में जाएगा, वो आप जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर आपको इस भर्ती का जो फॉर्म है वो आपको वहां पर मिल जाएगा, साथ ही ऑफिशियली पूरा नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी, इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे डिफेंस जॉब अलर्ट की ऑफिशियली साइट पे, और यहां पर आपका आगे आने वाले लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो या फिर किसी भी रैली भर्ती का नोटिफिकेशन हो। और यहीं पर आपके लिए दोस्तों इस भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसे आप यहाँ पर नीचे जाएंगे आपको एक अलग से बॉक्स मिलेगा लेटेस्ट जॉब, और यहाँ पर आप देख ले आर्मी वॉर कॉलेज महू रिक्रूटमेंट 2021 अप्लाई ग्रुप सी के लिए रिक्रूटमेंट निकला है। और जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो पूरा पेज आपके सामने ओपन होके आ जाता है, और यहां पर आप पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे। आर्मी वॉर कॉलेज महू का ये रिक्रूटमेंट निकला है, जो कि ऑल ओवर इंडिया सभी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अलग अलग वैकेंसी कितनी होगी, नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी हम आपको बता दें। सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिएगा नोटिफिकेशन, जो नोटिस का नंबर और नोटिस का जो नोटिफिकेशन आईडी है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ ही दोस्तों टोटल जो आपको इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा, एड्रेस रहेगा आपका ये प्रेसिडेंट ऑफिसर स्क्रूटनी सेल सीपर वेस्ट बंगाल मिलिट्री मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू एमपी के लिए आपको भेजना होगा। टोटल वैकेंसी के बारे में अगर बात करें अलग अलग, तो आपको एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहां पर आपकी वैकेंसी स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड की वैकेंसी है, उसके साथ ही लोअर डिविजन कलर की वैकेंसी है, उसके साथ ही दोस्तों यहां पर आप देख लीजिएगा लेब असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, लेब अटेंडेंट मल्टी टास्किंग एमटीएस की वैकेंसी है, ड्रोर्समैन कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, उसके साथ ही सिविल मोटर ड्राइवर की भी वैकेंसी यहां पर रखी गई है सभी के लिए, उसके साथ ही सफाई वाला मल्टीटास्किंग, उसके साथ ही दोस्तों यहां पर आप देख ले अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं और 12वीं पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अलग अलग आप इसकी क्वालिफिकेशन भी देख पाएंगे, जो कैंडिडेट जिनकी एज 18 साल से 25 साल है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आप इस भर्ती के लिए 28 साल तक अप्लाई कर पाएंगे, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आप इस भर्ती के लिए 30 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको डिटेल से दिखा देता हूं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया, आपको फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी रखनी होगी वो भी मैं आपको पूरी जानकारी से बता देता हूं। अब यहां पर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर जो आपका जो फॉर्म है साथ ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये नोटिफिकेशन हमारे सामने डाउनलोड हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको डिटेल से बता देता हूं कि इस भर्ती के लिए आप अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से देख पाएंगे, और सभी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपका एज क्राइटेरिया भी रहने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप इस भर्ती के लिए ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और अलग अलग पोस्ट के लिए बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पेपर होगा, और पेपर में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनका होगा स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट के बाद में होगा दोस्तों यहाँ पर आपका मेडिकल
और उसके बाद में आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला। पेपर में क्या क्या आएगा पूरी लेटेस्ट अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हो। इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ जाके आप पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे। साथ ही यहीं पर आप जैसे नीचे जाएंगे तो आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, जो आप डाउनलोड करके इस फॉर्म को अप्लाई करके दोस्तों इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि लॉकडाउन के चलते और देश भर में कोरोना के चलते काफ़ी कम अप्लाई होने वाले फॉर्म, अगर आप भी किसी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की तलाश में है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा व सुनहरा मौका यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर नीचे आपको नीचे जाएंगे तो आपको अलग से फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये फॉर्म है जो कि आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये भर्ती आपके ऑफलाइन मोड के आधार पर होगी और 45 दिन के अंदर अंदर आपको इस फॉर्म को भर के इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा जो कि इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरना है और फॉर्म भरते समय कैसे क्या क्या सावधानी रखनी है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप जाके अभी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ले, साथ ही साइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ऑफिशियली साइट का, जहां जाके आप पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए और आगे आने वाले हर प्रकार के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट पाना चाहते हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।